दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपके जीवन में आपके सोच का नज़रिया बिल्कुल बदल देगी। प्लीज़ दोस्तों इस कहानी को बिल्कुल एंड तक सुने कि क्यों पापी लोग इतने धनवान हो रहे हैं। प्लीज़ एक बार इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। एक बार क्या होता है कि भगवान शिव और पार्वती भ्रमण कर रहे होते हैं, तो एक गांव में उनको पार्वती मैया को एक गरीब किसान दिखता है और एक धनवान सेठ दिखता है। तो माता भगवान से पूछती हैं, हे प्रभु आपकी ये लीला बताइए कि जो गरीब किसान आपकी दिन रात पूजा करता है, आपको इतना चाहता है, उसके जीवन में इतना कष्ट, और एक वो जो सेठ जो इतना अत्याचार करता है, गरीबों का खून चूसता है, जिसको पूजा ध्यान भी नहीं, उसको इतना धन ऐसा क्यों प्रभु? तो भगवान कहते हैं, प्रिय तुम थोड़ा रुको, तुम्हें इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो वो क्या देखते हैं कि वो किसान और वो सेठ दोनों घर से निकलते हैं। किसान भगवान का नाम लेते हुए जा रहा होता है तो रास्ते में उसका पैर एक पत्थर टकरा जाता है और वो गिर जाता है, उसके पैरों में खून निकलने लगता है। और उसी के बाद आगे वो सेठ जा रहा होता है, उसका भी पैर टकराता है पत्थर से, तो उसको सोने की पोटली मिल जाती है। अब ये देख के तो मैया बोलती हैं कि प्रभु ये तो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार है कि वो किसान जो आपको पूज रहा है उसके पैर में तो पत्थर लग के खून निकल रहा है, और वो सेठ जो बिल्कुल भी धर्म की तरफ नहीं है उसको धन की पोटली मिल रही है। तो प्रभु बोलते हैं, देवी तुम घटना को दोबारा से देखो। जब वो किसान घर से निकला था उस समय उसका बहुत बड़ा मृत्यु योग था, उसकी गड्ढे में गिर के मृत्यु तय थी, पर चूंकि वो धर्म की तरफ था, उसका ध्यान था, तो उसकी मृत्यु योग छोटी सी चोट लग के टल गई, उसकी मृत्यु अटल थी, पर धर्म के प्रभाव से उसका जीवन बच गया। बोलते हैं, ठीक है प्रभु, पर ये सेठ को धन क्यों मिला? बोले, देवी इसके पुण्य के प्रताप से इसको इस समय पूरे देश का सबसे बड़ा राजा होना था, अपार संपदा का मालिक होना था, पर इसके पाप कर्मों से इसका भाग्य इतना नीचे हो गया कि इसको छोटी सी धन की पोटली मिलके रह गई। तो प्रभु की ये बात सुनकर देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु आपकी लीला तो केवल आप ही जानते हैं, मैं तो वाकई में नहीं समझ पाई। तो दोस्तों ऐसा ही जीवन में होता है, हमें लगता है कि हम इतनी धर्म पूजा कर रहे हैं, इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और हम इतने पीछे क्यों हैं, और जो लोग इतना पाप कर्म कर रहे हैं वो धनवान क्यों होते जा रहे हैं। हो सकता है कि उनके पुण्य कर्म से उनको बहुत आगे जाना था, पर उनके पाप कर्म उनको बहुत थोड़ा सा फल दे रहा है, और हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटित होता या कुछ बहुत अच्छा नहीं होता, पर हमारे धर्म के प्रभाव से वो छोटी छोटी चीज़ों में बदल के, छोटी छोटी परेशानी बदल के हमारी समस्या बदल रही है। तो दोस्तों मित्रों इस कहानी को आप ज़रूर ध्यान रखना, जीवन की हर परेशानी में एक बार इस कहानी को याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं कुछ बहुत बड़ा होने वाला था बट मेरे धर्म के प्रभाव से वो थोड़ा सा रह गया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, और ये आपको कैसे लगी ये कृपया करके ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों, और बाय बाय।